उन्होंने कहा है कि आप नौकरी से बर्खास्त हैं, तो आपको चुनाव आयोग से लिखित में लेके आना पड़ेगा कि आप किस मामले में बर्खास्त हैं। और जबकि हमने 24 तारीख को जब नामांकन किया तो इस प्रकार का उन्होंने हमारे से कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, सही पाए गए। उसके बाद पार्टी सिंबल पर हमने फिर किया दोबारा, कल जो नामांकन किया उस समय भी हमें इसी प्रकार का कोई कुछ नहीं दिया। इससे साफ जाहिर है कि दबाव की वजह से। और एक अजीब मैं आपको और चीज़, मैं अंदर जब बैठा हुआ था, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर मुझे कॉल करता है तेज बहादुर, तो ऑब्जर्वर उसके अंदर बीच में टोका टाकी करते हैं, जबकि कानून के खिलाफ है। ऑब्जर्वर का क्या रोल है? ऑब्जर्वर क्यों बैठा हुआ है अंदर, बताइए? ऑब्जर्वर जो कि स्पेशल फ्लाइट से आया और वो अंदर बैठा हुआ है, उसका क्या रोल है? वो चेक कर सकता है, ना कि रिटर्निंग ऑफिसर पे दबाव डाल सकता है। वो रिटर्निंग ऑफिसर को बाहर लेके जाते हैं और दबाव डाल के हमें नोटिस दिलवाते हैं। इससे साफ जाहिर है कि जानबूझ के डर के मारे हमारा नामांकन रुकवाया जा रहा है। मोदी जी को सीधा सीधा खतरा है कि असली चौकीदार तुम्हें यहाँ से महाराष्ट्र की धरती से मात देंगे, इसलिए उनको डर है, इसलिए हमारा नामांकन रुकवाया। कल जब नॉमिनेशन किया इन्होंने, भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें आपने एक बार यस लिखा, एक बार नो लिखा, उसमें नहीं, वो तो देखिए उसमें वो कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसमें क्लाज में है कि आप उसको स्कूटनी में ठीक करा सकते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि तेज बहादुर जो मामूली किसान परिवार का सिपाही है, देश की सेना के रक्षा के लिए जब खड़ा था वहाँ बॉर्डर पे और जली रोटी और पतली दाल दिखा करके जवानों के लिए अच्छी दाल मांगा था, और उस समय मोदी जी को ईमानदार समझ करके मांगा था इन्होंने, लेकिन मोदी जी ने इनको बर्खास्त कर दिया। अब अगर कोई बात है, कल ट्विटर पे टॉप ट्रेंड किए हैं, कल जब से इन्होंने नामिनेशन किया से लेकर के ट्विटर पे टॉप ट्रेंड किए हैं, ट्विटर बोल गया एकदम, और देश के बड़े नेताओं का बिल्कुल सत्य है, 100% है, 100% सत्य है। पूरा देश जब मेरे साथ खड़ा था, पूरा विपक्ष मेरे साथ खड़ा है, तो मोदी जी जानबूझ के मुझे रोकना चाह रहे। जब मैं शपथ पत्र दे रहा हूँ, भारत के संविधान में क्लियर है, आप शपथ पत्र, मैं कह रहा हूँ अगर दिन में गलत शपथ पत्र दे रहा हूँ, मुझे फांसी चढ़ा दिए, जो सजा देना दीजिए, लेकिन आप डर के मारे मुझे चुनाव से क्यों रोकना चाह रहे हो? इससे साफ जाहिर है कि हमारे देश के अंदर हिटलर शाही जो लागू है। क्या आप कल 11 बजे तक पेश कर पाएंगे? आपको उम्मीद है? कर रहे हैं हम, तो कागज पत्र हम कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं अपनी, हमारे सब जगह पार्टी लगी हुई है, सभी कार्यकर्ता सभी जगह लगे हुए हैं, दिल्ली वगैरह में हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, उम्मीद हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी पूरी ताकत अपनी लगा रखी है मुझे रोका जाए। किसके इशारों पे हो रहा है, क्या चुनाव आयोग? सीधे सीधे मोदी के इशारों पे, सीधा मोदी के इशारों पे हो रहा है। और योगी जी कल रात में आए हैं और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से, ये आरोप है हमारा कि उन्होंने ये निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से इनका निरस्त किया जाए पर्चा। ठीक है।